यानी कि बैक्टीरिया भी डिजीज़ कॉज कर सकते हैं जो कि था, टाइफाइड होता है थ्रॉड इन्फेक्शन हो सकते हैं बैक्टीरिया इन द माउथ कॉस टूथ डिके यानी कि आपके बैक, माउथ के अंदर भी एक बैक्टीरिया मौजूद होता है जो आपको जो कि टूथ डिके कॉज करता है तभी कहते हैं कि रात के में रेगुलर बेसिस पे आपको ब्रश करना चाहिए ताकि आपके माउथ के अंदर जितने भी जर्म्स बैक्टीरिया हैं सब किल हो जाएं और आपको आ, पेन ना दें आपके दांतों में ठीक है आगे चलते हैं हम वायरस वायरस आर इवन स्मॉलर देन बैक्टीरिया आप अपने पेज नंबर देखिएगा थर्टी वन पर वायरस का टॉपिक है वायरस आर इवन स्मॉलर देन बैक्टीरिया अब बैक्टीरिया से भी छोटे वायरस होते हैं दे लिव इनसाइड द सेल ऑफ़ द बॉडी ये आपकी बॉडी के सेल के अंदर यानी कि बॉडी के अंदर जो सेल होता है उसके अंदर रहते हैं कॉज डिजीजेस ये भी डिजीज़ कॉज करते हैं सच एज कॉमन कोल्ड इन्फ्लुन्जा एंड चिकन पॉक्स अब बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि चिकन पॉक्स होते हैं तो वो कौन कॉज करते हैं वायरस डिज़ीज़ कॉज करता है ये ठीक है तो आगे चलते हैं हम इन्फेक्शन इन्फेक्शन का क्या मतलब है वंस हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स गेट इन टू योर बॉडी दे रिप्रोड्यूस रैपिडली एक बार अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म रिप्रोड्यूस हो जाए तो क्या करता है कि वो बॉडी के सेल को खाने लगता है और पॉइजनस प्रोड्यूस करता है यानी पॉइजनस वेस्ट सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है जिसे कहते हैं टॉक्सिन ठीक है एज देर नंबर इंक्रीज जैसे जैसे क्या uh, uh, कहते के, हैं माइक्रोर्गैनिज़म्स इंक्रीज uh, होते रहते हैं उसी उसी तरह सेल्स जो डैमेज हो जाते हैं और टॉक्सिन और प्रोड्यूस हो जाता है और आप फिर ख़ुद को इल महसूस करते हो दिस इज़ कॉल्ड इन्फेक्शन ये इन्फेक्शन कहलाता है Sometimes टाइम्स cause an एन इन्फेक्शन टू ओनली वन पर्टिकुलर पार्ट ऑफ योर बॉडी कभी कभार ये होता है कि आपके सिर्फ एक साइड के एक पर्टिकुलर पार्ट part के हिस्से को बॉडी के हिस्से को इल कर देता है कॉज कर देता है इन्फेक्शन तो क्या कौन कौन से वो हिस्से होते हैं वो आइज़ हो सकता है लंग्स हो सकते हैं सम टाइम्स ए माइड अफेक्ट द होल बॉडी कॉजिंग फीवर कभी कभार ऐसा होता है कि आपको फीवर हो जाता है तो ये भी आप एक इन्फेक्शन ही होता है अब वो बॉडी ट्राई टू फाइट विद हेल्प ऑफ वाइट ब्लड सेल्स अब क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली अल्लाह ताला ने आ, ऐसे ब्लड सेल्स रखे हैं जो कि जम्स को किल करते हैं अब क्या होता है कि जब हमारे बॉडी के अंदर कोई भी जम इंटर कर जाए तो हमारे वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो उस जर्म्स को फटाफट किल कर देते हैं समटाइम्स कभी कभार ऐसा होता है कि हमें मेडिसन्स लेनी पड़ती हैं उन मेडिसन्स को वो कौन सी मेडिसिन हो के लाती हैं वो एंटीबायोटिक्स बायोटिक्स के लाती हैं जो जम्स को किल करती हैं तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था इन हम नेक्स्ट टॉपिक अगले क्लास में कवर करेंगे तो अभी के लिए थैंक यू अल्लाह हाफिज़